नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मीटिंग सेटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में। और आज हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही विशेष शख्सियत से। और आप सोच रहे होंगे कि विशेष शख्सियत कैसे है, वो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जहां पर इंसान अपने करियर की शुरुआत करने की बात करता है कि मेरी उम्र अब 20 से 25-30 साल हो चुकी है, मैं अपने करियर की शुरुआत करता हूँ, उस शख्सियत ने मात्र और मात्र 25 साल की उम्र में बड़ी उपलब्धियाँ पाई है और अपने करियर में बड़ा नाम कमाया है। इन्होंने आर्टिस्ट के करियर में, पेंटिंग के करियर में अपनी एक पहचान बनाई है। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं मनीष जी ढाका से और उनसे हम बहुत सारी बातें जानते हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीटिंग शूटिंग चैनल के माध्यम से एक कला को मतलब सभी तक पहुंचा रहे हैं। ये कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत ही गर्व का विषय है कि आप इतनी दूर से चला के आए और कला को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में दिया। तो चलिए सर अपन आगे बढ़ते हैं और आप हमारे दर्शकों को बताइए, साथियों को बताइए, अपने परिचय के बारे में बताइए आप। मेरा नाम मनीष ढाका है, मैं सीकर का निवासी हूँ, मेरा गांव हिरणा है, फिलहाल मैं कुदन में रहता हूँ जी। और मैंने 6th क्लास से नवोदय ज्वाइन किया था, नवोदय विद्यालय जी, वहीं से मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी और अभी तक पेंटिंग में मैंने खूब सम्मानित होने का अवसर मिला है, जिसमें एक वैसे अपन कैलकुलेशन निकाले तो 52 अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, जिसमें टोटल सबसे 52 अवार्ड मिले आपको जी जी। और इसमें जैसे PM सर से भी लेटर मुझे मिला है, CM सर हैं उनसे भी और गवर्नर सर हैं अपने जी राजस्थान के, कला जी हाँ उनसे रूबरू जी मिलने का, उनके भवन में जाने का भी मौका मिला है, उनसे मिला भी हूँ, उन्होंने प्रशंसा पत्र भी दिया है मुझे जी तो सर आपकी उपलब्धियों में अपन बात करें तो कोई लोकल का कोई अचीवमेंट रहा हो आपका, जैसे सराउंडिंग अपने शेखावाटी एरिया से संबंधित कोई प्रोग्राम हुआ हो जिसमें आपको सम्मानित किया गया हो। हाँ 2017 में मेरा वो देखें तो सबसे पहला अचीवमेंट वही मानूंगा मैं, क्योंकि मेरा एक था कि भाई अपन एक मेडल अपने को मिले, मोमेंटो मिले जी, वो चाहती है आपके मन में। हाँ और वही 2017 में शेखावटी उत्सव नवलगढ़ में हुआ था और उसमें मुझे सम्मानित फर्स्ट पोजीशन आई थी, जी मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम और मैं अपने जो बड़े मामा जी हैं उनको भी साथ में लेके गया था, जी तो वो मेरे लिए एक आज भी यादगार है क्योंकि और वो मोमेंटो भी हमेशा सामने रखता हूँ मेरे। मतलब आप पहली बार स्टेज पे सम्मानित हुए थे, आपको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो सर इसी के साथ में एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, जब आप पढ़ रहे थे तो ये पेंटिंग की शुरुआत कब कैसे हुई आपके जीवन में? पेंटिंग की शुरुआत में छुट्टियों में घर आया हुआ था तो मेरे भाई साहब हैं बड़े, वो भी नवोदय में हैं तो नवोदय में पेंटिंग एक्टिविटी चलती रहती है, तो उनकी कोई स्केच बनाई हुई थी तो वैसे देख के घर में थोड़ी होड़ हो जाती है, आपस में होड़ हो जाती है बच्चों में कि आपने किया तो मैं भी करूँगा ऐसा। हाँ तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने भी उसको एक सोचा कि अभी करते हैं इसको कंप्लीट अपन भी, तो मैंने कोशिश की उस टाइम, वो बहुत बढ़िया बन गई थी वो पेंटिंग, आज भी मेरे पास ये भीमराव अंबेडकर जी की पेंटिंग है, मेरे पास ये रखी हुई है आज वो भी। पहली पेंटिंग आपने होल में बनाई थी? हाँ और उसको सबने मतलब बहुत बढ़िया बताया था, हाँ तो उससे क्या होता है एक अपने आप में होता है कि यार वास्तव में वो तो बहुत बढ़िया बना सकता हूँ। तो उस पेंटिंग जब आपने बनाई तो आपको पता चला कि मेरे अंदर ये कौशल है, मैं अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपन जो यहाँ पे सर का कहने का मतलब है कि मनीष जी का कहने का मतलब है प्रतिभा अपने अंदर छुपी होती है, लेकिन कुछ मौके होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनसे आपकी प्रतिभा निकल के बाहर आती है, लेकिन वहाँ पे अपन को अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे बेस्ट कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, तो अपन वहाँ पे अपना और भी फोकस डाल के बढ़िया चीज़ें कर सकते हैं। तो सर मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि आपके करियर में कोई ऐसा वाक्य आपके साथ, कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो, या आपको लगा हो कि अगर वो वाक्य या वो घटना आपके जीवन में घटित नहीं होती तो आज आप इस मुकाम पे नहीं होते, ऐसा कोई वाक्य आपके साथ घटित हुआ हो तो आप मेरे दर्शकों को बताइए। फर्स्ट टाइम जैसे अपने स्टूडेंट लाइफ में माने जी तो सबसे ज़्यादा वही उसको मैं महत्व देता हूँ उस सर, चीज़ जैसे को, कौन सी क्लास की बात करें आप? ये था 10th क्लास, तो उस टाइम में 6th क्लास तक ठीक था, 7 से लेके थोड़ा सा मैं लाइन से भटक गया तो था, उसमें क्या कारण रहा सर भटकने में? उस टाइम एडमिशन हुआ था, मैं छोटा भी था, उस टाइम मम्मी जी की डेथ हो गई थी तो वो मेरे लिए बहुत ही दुख, क्योंकि होता है कि मेरा उनके प्रति लगाव भी बहुत ज़्यादा था, जाहिर सी बात है माँ के प्रति बच्चों का लगाव बहुत होता है ज़्यादा, एक छोटा भी था मैं और जी। वही थे कि उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था
और मतलब वो बहुत दुख वाली बात है जी जी। और आज भी वो मतलब याद आता है तो थोड़ा होता है जी। तो उस टाइम मेरा माइंड एकदम से हो गया था, मेरे को नहीं पता कि अपन जो करें वो सही है गलत है। मतलब आप में बदलाव आया उस घटना के बाद में? हाँ, आज भी मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसे किया था क्या, क्योंकि मेरा वहाँ स्कूल में ये हो गया था कि यह आतंकवादी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप बिगड़े स्वभाव के हो गया था कि भी सामने बोलना है, किसी की सुनना नहीं है। 9 दिन से 2 बार में भग के घर पे आ गया था। अच्छा, स्कूल से भी भाग के आ गया? उसमें मैं अपने जो शिक्षक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भी एक शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया इतना करने के बाद। मेरे घर वाले उन्होंने आता जोड़ी करके वहाँ रखा कि भाई इसको एक बार रखो, क्योंकि 9 दिन में एक नियम होता है कि जो बच्चा ज़्यादा ऐसा परेशान करता है तो 9 दिन का नियम है कि भाई उसको निकालो, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, घर ले जाओ वापस, घर ले जाओ। ठीक है। पढ़ाई में भी मेरा वो नहीं था, एकदम रिजल्ट 0 दे रहा था, मैं नहीं सुनता था, तो वहाँ रखा उन्होंने। और मेरे जो आर्ट टीचर हैं, पहले सुरेश जी थे, बाद में राजेश जी आए, डॉक्टर PhD हैं जी जी तो जो सुरेश जी यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ ना, उनके साथ तो मेरा ठीक हो गया था, लेकिन जैसे उनका ट्रांसफर हुआ मेरे ये हुआ कि भाई अब क्या होगा, अब कौन टीचर आएंगे, तो अपनी केयरिंग कौन करेगा? हाँ, अब क्या होगा, क्योंकि इन्होंने एक मौका तो दिया था अपने को और मैं ठीक भी हुआ। तो सुरेश जी ने जो अपने राजेश जी आए उनको कहा कि भाई इस बच्चे को आप मौका संभालना, तो उन सर ने मेरे को मौका दिया, विश्वास किया। इतना कुछ होने के बाद एक टीचर विश्वास करता है, वहाँ के जो म्यूजियम है बहुत महंगा होता है जी, क्योंकि यूनिक उसमें चीज़ें रखी होती है, उसकी चाबी दी, आर्ट रूम की चाबी दी। तब मेरे मन में हुआ कि यार अब तो अपन कोई गलती करेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा यदि विश्वास किया है तो मेरे ये हो गया कि भी कोई भी बच्चा यदि गलती करता है, शैतानी है, बदमाश है, ठीक है, तो उसको मौका देना चाहिए। आज उन्होंने मौका दिया उस टाइम, तो आज मैं इस लेवल पर पहुँचा हूँ। इसके अलावा सर, करियर में आने के बाद में कोई ऐसा वाक्यांश हुआ जो आपको लगा कि हाँ अगर ये चीज़ें मेरे साथ हुई, यूनिक कोई आपको याद रखने वाली बात हो करियर में आने के बाद में? यूनिक तो ये है कि वहाँ से निकलने के बाद है कि 12th सीनियर होने के बाद थोड़ा समझ में भी नहीं आता कि करें क्या, आगे क्या करें अपन, और अपने परिवार है वो क्या सोचते हैं कि भी इसको जल्दी जल्दी गवर्नमेंट में लगाएं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। तो मेरे ननियाल वाले उनका भी सही था सोचना है कि भी इसको जल्दी गवर्नमेंट में करवाएं। ननियाल तो वाले सोच रहे थे भाई बच्चे को अपन सेटल कर दें। हाँ, क्योंकि उन पर भी एक जिम्मेदारी थी जी, वो एक टाइम तक ही होती है, लंबे टाइम यदि हम वहाँ तक रहते तो वो भी एक गलत था, तो उन्होंने सोचा जल्दी ये सेट हो जाए जी। तो मेरा स्पेशल एजुकेशन होता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जी होता है, तो उसमें मेरा एडमिशन उन्होंने करवाया, खूब उसमें फीस भी जमा करवाई थी। लेकिन मेरे दिमाग में अलग था कि मुझे, हाँ, मुझे पेंटिंग में जाना है, मेरा गवर्नमेंट का नहीं था कि भाई गवर्नमेंट, हाँ होता है कि गवर्नमेंट लगे तो और भी बढ़िया, लेकिन उसमें नहीं जाना था, पेंटिंग में भी गवर्नमेंट जॉब होती है जी। तो मैं वो 2-3 महीने वहाँ रहा, मैं बाद में उसको छोड़ के आ गया था। मैं वो था कि भाई एक तो यहाँ घर वाले हैं उनको भी दुख हुआ कि भाई इतना पैसा लगा कि ये बंदा आ गया छोड़ के जी, तो ये बहुत गलत बात थी। दूसरा पैसे ननिहाल वाले लगा रहे थे, हाँ, तो वो एक और प्रेशर वाली चीज़ हो गई। तो मेरे बाद में उन्होंने वही है कि वो डांट फटकार होती भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन ठीक है होता है। मेरे भी मन में है कि गलत तो अपन ने किया है, तो उसी टाइम मैंने सोच लिया कि भाई अब आज से अपन खुद ही कमाएंगे और खुद ही उसकी फीस भरेंगे, तो वो भी एक पॉइंट अलग ही था मेरे लिए। तो साथियों, देखो मनीष जी यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे को अपन प्रेशराइज न करें कि आपको डॉक्टरी बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, या आपको पर्टिकुलर हम जो चाहते हैं वो करना है। मनीष जी कह रहे हैं कि मनीष जी को पेंटिंग करनी थी, घर वाले चाह रहे थे कि ये स्पेशल एजुकेशन ले, तो उन्होंने वो न करके अपने पैशन को चुना और पैशन के साथ आज ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी अपने लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बच्चे का जो शौक क्या है, बच्चे का जुनून क्या है, बच्चे को किस चीज़ में अच्छा लगता है, अपन उसी में उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो जल्दी चीज़ें कर पाएगा और उसमें थकेगा नहीं, उसको थकावट नहीं होगी, क्योंकि इंसान जब अपनी पसंद का कोई काम करता है तो उसको अच्छा लगता है, उसको थकान नहीं होती है। तो ये चीज़ अपने लिए लर्निंग वाली थी यहाँ पे। तो हाल ही में मनीष जी, आप गवर्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको एक स्केच बना के भेंट किया, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? मेरा वो अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि एक राजभवन में एंट्र अपन करते हैं तो वो एक अलग ही कुछ होता है, बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा अपन ने स्टेट का माने तो गवर्नर ऑफिस है जी, और वहाँ उसका सिस्टम देखा तो मेरा ये था कि भाई यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ अपॉइंटमेंट लेना और वहाँ तक पूरी जांच होना, जैसे मतलब एक बहुत अपने आप में गर्व महसूस हुआ कि अपन कला के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे जी।
तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि एक के इतने बड़े इंसान से अपन मिलते हैं तो एक अपने आप में मोटिवेट भी अपन होते हैं और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो सर मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई पेंटिंग सीखना चाहे कि एज ए करियर में पेंटिंग को लेना चाहता हूँ तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि अपन जो काम कर रहे हैं उसमें अपनी इच्छा है कि नहीं है। ये नहीं कि भी एक आजकल ये हो रहा है कि यार ये काम कर रहा है इसमें बहुत पैसा आ रहा है तो हम भी करने लग हम भी करने लग जाए। अच्छा। तो वो अपने को आगे जाके नुकसान देता है। तो इसमें अपनी रुचि किस में है, उसके बाद उस काम में रुचि है तो आप उसमें कंटिन्यू लग जाइए, कंटिन्यू लगे आप। हाँ, जितना अपन टाइम देंगे उतना ही अच्छा काम होगा। बाद में हर चीज में धीरे धीरे अपन बारीकी से उसको लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें और जो भी अपना काम है पब्लिक के सामने लेके आएंगे। जी, और पब्लिक ये है कि अपने मार्किंग करके नंबर देंगे कि आपके नंबर ये हैं, और वहीं से अपने को सीखना और भी बढ़िया सीखने को मिलेगा। जी, तो यहाँ पे मनीष जी का कहने का मतलब है कि आप लोगों की देखा देखी ना करें कि पर्टिकुलर इंसान किसी काम को करके अगर पैसे कमा रहा है, अगर प्रसिद्धि कमा रहा है तो अपने भी वही काम करने लग जाए। इनका कहने का मतलब आपके मूल में क्या है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको आप फॉलो करें और उसको आप कंटिन्यूटी के साथ काम करें और सीखते हुए आगे बढ़ें। जी सर, तो सर अपन ने जान लिया कि पेंटिंग में अपन को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब इसी के साथ एक और सवाल आता है कि जब भी अपन कोई काम करते हैं तो ये बात जरूर अपने दिमाग में आती है, हमारे दर्शक भी जानना जरूर चाहेंगे कि पैसे कितने कमा सकते हैं। हर काम में ये सोचते हैं लोग कि पैसे कितने कमाए जा सकते हैं, तो आज आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अप्रोक्स अमूमन पेंटिंग में कितना पैसा कमाया जा सकता है। वैसे देखें तो इसमें कमाई का कोई वैसे नहीं है फिक्स है, कितना भी अपन जितना मेहनत करेंगे उतना है। बाद में है पेंटिंग, जो मॉडर्न आर्ट में कहता हूँ एग्जीबिशन, उसका कोई निश्चित नहीं। एक पेंटिंग करोड़ों में भी बिकती है, लाख में भी बिकती है, तो इसका कोई वो नहीं फिक्स है, लेकिन है कमाई है और इसमें स्कोप भी है, गवर्नमेंट में भी है और अपना बिजनेस भी इसमें स्टार्ट कर सकता है एकदम बढ़िया। मतलब इंसान चाहे तो अपने स्तर पे भी अच्छा पैसा बना सकता है। बाकी आपकी स्केचिंग क्या है, आपकी कला, आप कितना उसमें निपुण हो चुके हैं, तो पैसा उस हिसाब से बढ़ जाता है। मनीष जी यहाँ बता रहे कि करोड़ों की भी पेंटिंग बिकती है, और अपन निम्न स्तर पर बातें करें तो हज़ारों रुपये में भी चीज़ें अपन बेच सकते हैं, लोगों के लिए अपन चीज़ें कर सकते हैं, और अपनी पसंदीदा कोई क्रिएटिविटी अपने दिमाग में तो वो अपन बनाकर लोगों को सेल कर सकते हैं। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि पैसे कमाने की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नहीं है। आप बड़ा पैसा बना सकते हैं अगर आप अपने काम को फैसिनेटली आप करते हैं और उसको मतलब दिल से लेकर करते हैं तो आप बड़ा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। सर आप साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, आज का ट्रेंड है, आज का नया युग है सोशल मीडिया, लोग सोशल मीडिया पे मतलब प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं, वायरल होना चाह रहे हैं, तो आपने जो अपना जो काम किया है पेंटिंग का, जो आप आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं, इस काम को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया ने कैसे आपका सहयोग किया? सोशल मीडिया जो भी है आज आप यहाँ तक अपन मिले हैं वो भी सोशल मीडिया से मिले, तो सोशल मीडिया ने ये मानो जितना मेरे काम है उससे ज़्यादा ही मानूंगा मैं तो जी कि लोगों तक पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा सहयोग किया है सोशल मीडिया ने जी। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो अपने काम को दोगुना करती है। सर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप हम तक जुड़े हैं, हम तक पहुँचे हैं, और इनकी बात सही भी है। तो अभी सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सोशल मीडिया पे आप अपने काम को लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं, कैसे उनको दिखाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? जैसे मैं कोई काम लेटेस्ट अभी करता हूँ जी, तो उसको मेरे को लगता है कि हाँ इस काम को अपन डालेंगे, सभी नहीं डालता मैं जी, जो मेरे को ठीक लगता है, और इसमें परमिशन भी होती है, कुछ की प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी भी हाँ, तो जो मेरे को बेस्ट लगता है, जो कहते हैं मेरे को कि भाई मेरी फ़ोटो आप डाल सकते दो, हाँ, तो वो मैं डालता हूँ और वो ही लोगों तक पहुँचती है। तो उनको आप जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो वो आप वीडियो बना के उनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक यहाँ सर्कुलेट करते हैं आप, हाँ, लोगों को दिखाते हैं कि इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो सर मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो अभी आपका वीडियो देख रहे हैं, अगर इनका रुझान हो, इनको अगर स्केचिंग बनवानी हो, इनको अगर कोई पेंटिंग बनवानी हो और वो बहुत दूर से हैं, ठीक है, वो आपसे मिल नहीं सकते, तो उनके लिए आप क्या ऑनलाइन फैसिलिटी आपने शुरू कर रखी है कि वो आप अपनी कोई स्केचिंग, कोई पिक्चर वो आपसे बनवा सकते हैं जो उनको पसंद आए? मेरा ये जितना भी है ये सब ऑनलाइन ही है, क्योंकि जो भी ऑर्डर आते हैं वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक है, वहीं से आते हैं, वहाँ मैंने इंक्वायरी के लिए डाल रखा है कि ये नंबर है, फर्स्ट में जो भी बनवाना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट करते हैं जी, और उसमें नंबर दे रखे हैं, तो अपनी फ़ोटो वहाँ भेज के अपना बना, कहीं से भी हो
मैं यहाँ से पोस्ट कर देता हूँ उनका स्केच जी। तो सर यहाँ बता रहे हैं कि अगर किसी को दूर बैठे इंसान को अगर सर से अपना स्केच बनवाना हो, पेंटिंग बनवानी हो, तो ऑनलाइन आप सर को पेमेंट भिजवा दीजिए और अपनी फ़ोटो आप भिजवा दीजिए सर, रेडी करके तैयार करके आपको वापस बाई पोस्ट, और आप अगर इंटरनेट के माध्यम से देखना चाहें तो व्हाट्सअप के माध्यम से फ़ोटो आपको भिजवा देंगे, और आप फिजिकल आप लेना चाहें तो बाई पोस्ट आपको भिजवा देंगे। तो ये आपकी ऑनलाइन फैसिलिटी है। कोई भी सर से अपने स्केच बनवाना चाहें, जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ सर कुछ स्केच सर ने बना रखे हैं, तो ये सारे सर ऑनलाइन ही होंगे? हाँ, ये सब ऑनलाइन है। अच्छा, रिसेंटली ऑर्डर मिले आपको? हाँ, अभी ऑर्डर वाले। तो सर इसी के साथ एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई ऑनलाइन आपसे स्केचिंग बनवाता है, तो आजकल गिफ्ट में भी इस तरह की चीज़ें होने लग गई है। लोग तो क्या है, फोटो बनवाते हैं वैसे, मतलब लेब में जाके फोटो बना के लेके आते हैं, तो उससे ज़्यादा अगर ये वाली चीज़ें की जाएँ तो उसमें क्या आपका कहना है कि एज ए गिफ्ट के रूप में अगर अपनी स्केच किसी को भेंट करें तो? सबसे ज़्यादा यही हो रहा है अभी, क्योंकि लोग कन्फ्यूज होते हैं जी, कोई भी हो, मैं भी होता हूँ, कि किसी को गिफ्ट देना है तो अपन सोचते हैं यार इसको क्या दें, अपन क्या चीज़ पसंद आएगी इसको? क्या पसंद आएगी, एक नहीं आएगी। तो अभी जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं ये गिफ्ट वाले हैं, किसी को देना है तो ये आ रहे हैं कि भैया ये सही है, अगले को पसंद भी आएगा, इसको रखेंगे भी, वो संभाल के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, खुद का होगा। हाँ, खुद का होगा, तो ये गिफ्ट के लिए सबसे बेस्ट है अभी जी। सर का कहना है कि अभी जो स्केच का जो अभी रुझान है लोगों में, वो एज ए गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर सर को मिलते हैं, कि किसी को अगर भेंट करना हो तो क्या चीज़ अपन भेंट करें, उसको पसंद आए या नहीं आए, तो वो स्केच बनवाते हैं सर से, और सर उनको स्केच बना के बाय पोस्ट भेज भी देते हैं। तो दोस्तों अपन सर से एक और महत्वपूर्ण सवाल अभी जानना चाहेंगे, जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी इंसान किसी करियर में उतरता है या स्टार्टअप की अपन बात करें, जब किसी के नए काम को जब शुरू करता है और वो थोड़ा सा हटके हो, जो अपन जो अपने परिवार में पहले किसी ने नहीं किया हो या आस पास पड़ोस में किसी ने नहीं किया हो, तो जाहिर सी बात है चैलेंज आना स्वाभाविक है। तो सर से भी अपन आज जान ही लेते हैं कि सर जब आपने काम शुरू किया था तो शुरुआत में आपके परिवार, समाज या रिश्तेदार, उनका क्या रिएक्ट था जब आपने काम शुरू किया? आप पढ़ाई को आपने हल्के में लिया या आपने पढ़ाई को छोड़ दिया फिर आपने काम शुरू किया, और आज जब आप एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं, उपलब्धियां आप ले रहे हैं और सम्मानीय लोगों से आप मिल रहे हैं, तो अभी उनका क्या कहना है उसके बारे में हमारे दर्शकों को? देखो, कोई भी काम अपने स्टार्ट करते हैं जी, कुछ अलग हटके, और परिवार में क्या, मैं तो ये कहूँगा मेरे आसपास में सबसे अलग हटके स्टार्ट किया था मैंने जी। तो इसमें देखो दिक्कत आती है जी, और ये है था कि पढ़ाई को छोड़ा नहीं मैंने, पढ़ाई में मैंने अभी भी डिग्री कंप्लीट की प्रोफेशनल, इसी में पेंटिंग में जी। हाँ, उसको थोड़ा सा कम हो गई अपने आप ही वो, क्योंकि इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था तो मैंने इसको पेंटिंग में अपनाया था। तो इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि घर वाले स्टार्टिंग में कहते हैं यार जैसे मारवाड़ी के धंधों पकड़े है यहाँ जी, है ना, चित्र बना रहा है के मांडना मांड है मांडना। हाँ, तो उसमें थोड़ा बुरा भी लगता था। अच्छा। बुरा लगने ही था कि भाई यार अपन तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया बता रहे हैं, काम कर रहे हैं और ये इनको मांडना बता रहे हैं। तो उस टाइम तो देखो दिक्कत सब जगह ही आई थी, अपन समाज में कहीं अपने रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ पे भी यार ये क्या स्टार्ट किया, तो अपना कुछ पढ़ाई का वो देखने। तो मेरे ये था कि भाई अभी अपन बोल के न कहें तो ठीक है, कि करके दिखाएं। हाँ, करके दिखाएं। तो मैं तो मेरे जो साथी हैं या बच्चे लोग हैं उनको मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स हैं उनसे जिद ना करें जी, वो भी अपनी जगह सही है जी, अपने को क्या है उनको करके दिखाना है जी, क्योंकि इम्प्रूव करना है, करना है अपने आप को। हाँ, कि ये होता है ऐसा, ये होता है ऐसा जी। तो स्टार्टिंग में सबके साथ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो आपका टारगेट है, एम है, उस पर आप अड़े रहे, टिके रहे, सक्सेस मिलेगी, कन्फर्म मिलेगी। देखो साथियों, सर ने यहाँ पे, मनीष जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही है, अगर आपने नोट करी हो, इन्होंने कहा है कि परिवार वाले भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि परिवार वालों को आपकी अच्छाई के लिए चिंता होती है कि ये जो कर रहे हैं अगर उनमें कल अच्छे कामयाब या मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, उस बात को लेके वो चिंतित होते हैं। तो मनीष जी ने यहाँ पे, मैं मनीष जी आपकी जो आपने बात कही उनकी मैं उनको साधुवाद नमस्कार, कि उस उम्र में आपने ये बात समझी। आजकल समाज में देखा जाता है कि घर वालों के ऑब्जेक्शन पे बच्चे एक अलग कदम या अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं या कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो मनीष जी ने यहाँ समझदारी दिखाते हुए ये सोचा कि अगर ये आज अपन को डांट रहे हैं, रोक रहे हैं, तो ये इनकी गलती नहीं है, ये अपने अच्छे बारे में सोच रहे हैं, और अपने इनको प्रूव करके दिखाएंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ और मैं मेरे काम को आगे तक लेके जाऊँगा। तो ये अपने लिए एक बहुत ही अच्छी सीखने लायक बात मनीष जी ने उनको बताई है। तो सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप हमारे साथियों को, दर्शकों को ये बताइए कि आप अपनी कला कौशल को और विकसित करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? देखो सबसे पहला तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आर्टिस्ट हो,
कोई भी व्यक्ति हो अपने काम को कभी भी बेस्ट नहीं मानना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो फाइनल है। फाइनल है जी, मैंने ये कभी भी नहीं माना। मेरे जो शिक्षक हैं उन्होंने एक ही बात कही थी, आज भी वो मेरे याद है कि एक तो घमंड मत करो कभी भी अपने काम को लेकर। घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए, तो मैं ये सोच के हमेशा कुछ नया सोचता हूँ कि कुछ अपन अपने काम को हटके करें। जो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, कुछ अलग हटके करें। तो इसके लिए जैसे मैं अभी तक इस चीज़ को सामने नहीं लेके आ रहा कि अभी मैं नया क्या लेके आ रहा हूँ। स्केचिंग तो है जी, और उसको मैंने जैसे पहले का मेरा काम देखें अब का देखें तो सुधार है। उसके लिए कंटिन्यू मैं अपने काम में बना रहता हूँ जी। और जैसे मॉडर्न आर्ट है तो उसमें मैं अलग अलग स्टाइल अपनी लेके आता हूँ। नहीं नहीं जी, मेरी जो प्रैक्टिस है वो हमेशा चलती है। जैसे जॉब है मेरा साथ में वो तो है ही है, उसके बाद आके मैं जैसे मजाक में भी बोलता हूँ कि अभी एक ड्यूटी तो मेरी कंप्लीट हो गई और दूसरी अभी स्टार्ट नाइट को होने वाली है। तो ये मेरा कंटिन्यू चलता है। तो जितना अपन टाइम देंगे उतना ही बेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन टाइम देना चाहिए जो भी काम है अपना, चाहे वो बिजनेस है या पढ़ाई से रिलेटेड है जो भी। तो साथियों, मनीष जी ने ये भी अपन को बहुत एक अच्छी चीज़ बताई कि किसी भी काम को लेके अगर अपन एक पायदान तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर अपन को ईगो नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो कर रहा हूँ, अब तो फाइनल कर लिया, मैंने बेस्ट के लिए, इसे बेस्ट तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस पे सर बात करें कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहें, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। इस तरह अपने जाना कि कैसे अपने फैशन को फॉलो करते हैं, अपन को आगे बढ़ना चाहिए, डेडिकेशन के साथ अपन को काम करना चाहिए। यहीं पर मैं मेरी बातों को, मेरे सवालों को विराम देता हूँ और मनीष जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे दर्शकों को क्या कोई विशेष मैसेज या कोई संदेश देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो आपका रियल में बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, और अपने मीटिंग शूटिंग चैनल और पूरी टीम का कि आप सभी मतलब यहाँ पधारे, इतनी दूर से आना तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और एक कला को मतलब ये सभी तक पहुंचाना, तो मेरा तो ये है कि भी मैं ही नहीं जी, आप अपने जो भी दर्शक हैं जिनमें अलग टैलेंट है उन तक भी आप पहुंचे, और आप सर नहीं पहुंच पाए तो आप सर से कांटेक्ट करें जी। दोस्तों, सर यहाँ कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई यूनिक आइडिया हो आपका और आप चाहते हैं कि वो आइडिया लोगों तक पहुंचे तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सूचना जानकारी दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं मीटिंग सेटिंग टीम के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेशक आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, ज़रूर हम वहाँ पधारेंगे और आपकी चीज़ लोगों तक लेके जाएंगे। तो साथियों, आज की जो हमारी बातचीत रही सर के साथ बहुत ही अच्छी हमारी बातचीत रही और आपको भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज सर ने दिए, तो वार्तालाप को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार।